हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी दोस्त केके मैम और आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए नंबर्स का एक क्विक रिकैप वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई था कि नंबर्स और डिजिट्स ये अलग अलग चीज है। जो भी हमारे 10 बेसिक डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उनसे बने हैं हमारे सारे के सारे नंबर्स। फिर इन बेसिक डिजिट से हम कितने भी डिजिट के नंबर बना सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितना भी हमको जरूरत है। उसके बाद हमने अलग अलग पार्ट्स में नंबर्स के अलग अलग टाइप्स देखे, उनका हम क्विक रिकैप करेंगे। आज हमने नेचुरल नंबर से शुरुआत की थी। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नंबर लाइन पे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर्स ये 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट और होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमने देखे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मैटर करती है, जिसके लिए अगर 2 से नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फिर उसे हम कहते हैं इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अगर वहीं पे 2 से नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखे थे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स से क्लासिफाई होते हैं। अगर किसी भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 3 खुद, क्योंकि 3 जो नंबर है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा कंप्लीटली या फिर 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, पर अगर नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से खुद से भी डिवाइड होता है। सो 6 के 4 फैक्टर्स है, सो 6 विल कम इन टू कॉम्पोजिट नंबर्स। उसके बाद हमने देखे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो कि फ्रैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। अगर किसी नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अगर वही हम किसी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सके, फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर रूट में डेसिमल है, अंडर रूट में अगर कोई डेसिमल है, जैसे कि अंडर रूट 3.143, इसको हम इजीली फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इस ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने देखे इंटीजर्स, जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे सीटी जेडब्ल्यू के एमसीक्यूज में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिलोंग्स टू जेड, ऐसे आता है क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंटीजर्स हमारी पूरी की पूरी नंबर लाइन, पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, सबका ग्रुप मिला के हम उसे कहते हैं इंटीजर्स। और फिर लास्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस भी नंबर की फिक्स वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, सच्ची सच्ची वैल्यू है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। और वही अगर किसी नंबर की ट्रू वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट में कोई माइनस आ जाता है नंबर, तो अंडर रूट में माइनस का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सो इस टाइप के नंबर को डिफाइन करने के लिए हम आई का यूज करते हैं, आयोटा। इस आयोटा के बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वीडियो में और डीप में पढ़ेंगे। तो ऐसे सारे नंबर्स जिसमें आई प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।